सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कैथल में गैंग रेप का मामला आया सामने। चार लोगों ने किया एक महिला के साथ गैंग रेप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैथल के एक गांव से गैंग रेप का मामला सामने आया है, जहां चार लोगों ने एक महिला के साथ रेप कर उसे जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि रात को अपने दो छोटे बच्चों सहित वो घर पर अकेली थी। इस दौरान चार युवक घर में घुस आए और उसके साथ रेप किया। इन लोगों ने फांसी का फंदा बनाकर उसे पंखे पर लटका दिया और खुद फरार हो गए। गनीमत ये रही कि रस्सी टूट गई और उसकी जान बच गई। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को फोन किया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। जहां इस मामले को लेकर महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी ने कहा कि वह पीड़िता से मिली हैं और सरकार की तरफ से हर संभव सहायता पीड़िता को दी जाएगी। आज हरियाणा राज्य महिला आयोग की ओर से जो कलायत में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, उस पर संज्ञान लेने के लिए मुझे आयोग की तरफ से भेजा गया है और मैं पीड़िता से मिली भी हूँ, जिसके साथ चार लड़के थे वो, जिनमें से तीन ने दुष्कर्म किया और उसको फांसी पर लटकाकर वो भागने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो किसी कारण से उसके हाथ खुले और उसने रस्सी गले से उतारी और उसकी जान बच गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि हमारे समाज में इस तरह की छोटी मानसिकता वाले या इस तरह के असामाजिक तत्व घूम रहे हैं जो नारी जाति के दुश्मन हैं, और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है क्योंकि SP साहिबा से मेरी बात हुई और उससे पहले भी मुझे सूचना मिल चुकी थी कि वो खुद पीड़िता से मिली हैं, मौके पर भी गई हैं, और जैसे मेरी अभी बात हुई है तो अभी शाम तक वो मुझे आश्वासन दिया है उन्होंने कि उनको पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि सर्च चल रही है उनकी। लेकिन सबसे जो मेन बात हमारे सामने आती है वो ये है कि हमें इन अपराधों को कम करना है, रोकना है। देखिए, मानसिक तौर पर तो किसी के साथ भी इस तरह की घटना घटेगी तो हम उसको ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे हादसे से तो शायद सारी उम्र भी ना निकल पाए वो, किंतु आप लोगों का, हमारा या पुलिस प्रशासन का अगर सहयोग, सांत्वना उसे मिलती है हर तरह से जो उसके साथ गलत हुआ उसमें अगर हम सहयोगी बन के खड़े होते हैं तो शायद वो प्रभाव कुछ हद तक कम हो पाए। सुने हैं मैंने उसके साथ जो कुछ हुआ, और वो अकेली थी घर में, उसके हस्बैंड किसी रिलेटिव के इलाज के लिए बाहर गए हुए थे, उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया गया, बच्चे उसके छोटे हैं, मुंह बांधा गया उसका, बड़ी क्रूरता के साथ, बड़ी दरिंदगी के साथ उसके साथ वो लोग पेश आए हैं, और ऐसे दरिंदों को आज़ाद घूमने की का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। वहीं कैथल से DSP जोगिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाम तक देखो बन जाएगी। हाँ, CIA भी लिखी को कल की बताया, आए हैं कुछ नाम में इन्वेस्टिगेशन में, उनको लग रहे हैं उनके पीछे गांव के ही। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? आज हो जाएगी शायद, श्याम लगता